सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव के पतंजलि प्रोडक्ट पर फटकार लगाते हुए कहा, आज से किसी भी तरह के झूठे दावे और विज्ञापन पर 1 करोड़ रुपयों का जुर्माना लगाया जाएगा। बाबा रामदेव हमेशा से अपनी आयुर्वेदिक पतंजलि दवाइयों से कोरोना के अलावा कैंसर, एड्स, हाई बीपी, शुगर और दीगर कई बड़े बीमारियों को ठीक करने का दावा कर विवादों में नजर आए हैं। बाबा रामदेव ने हमेशा से एलोपैथिक मेडिसिन को नीचा दिखाते हुए अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने की कोशिश की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पतंजलि आयुर्वेद को अपने सभी झूठे विज्ञापन और बेबुनियाद दावों को तुरंत बंद करना होगा। आज से सुप्रीम कोर्ट पतंजलि के हर प्रोडक्ट पर नजर रखेगी और अगर किसी तरह के झूठे दावे और विज्ञापन दिखाई दिए तो 1 करोड़ रुपयों का जुर्माना लगाया जाएगा। जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्ला और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने सुनवाई कर बाबा रामदेव के मुंह पर तमाचा मारा है। ये पहली बार नहीं हुआ है, बाबा रामदेव को झूठे दावे और मक्कारियों पर कई बार बेनकाब किया गया है। आज से पहले कोरोना वायरस के टाइम बाबा रामदेव ने दावा किया था कि इनकी दवाई से कोरोना वायरस जड़ से ख़त्म हो सकता है। रामदेव के झूठे दावों पर तुरंत रोक लगाई गई थी और पतंजलि ने FSSAI से लाइसेंस लिए बगैर इंस्टेंट नूडल्स लॉन्च किया था, जिसके बाद फूड सेफ्टी नियम तोड़ने के आरोप में बाबा रामदेव को लीगल नोटिस भेजी गई थी। पतंजलि के आमला जूस को भी कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट की जानिब से अनफिट बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जरिए लगी फटकार के बाद बाबा रामदेव ने हरिद्वार से प्रेस मीट कर कहा, ये किसी भी तरह का कोई प्रोपोगंडा नहीं करते हैं। रामदेव बाबा ने कहा, कुछ डॉक्टर्स का एक ग्रुप है जो लगातार इन्हें टारगेट कर योगा और आयुर्वेद के खिलाफ झूठ फैला रहे हैं। इसके अलावा और मजीद रामदेव बाबा ने क्या कहा जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हदरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। पैसे से सच और झूठ का निर्णय नहीं कर सकते कि उनके पास पैसे ज्यादा हैं एलोपैथी वालों के पास में तो उनका सच हो जाएगा, उनके पास हॉस्पिटल ज्यादा है, उनके पास डॉक्टर्स ज्यादा है या उनकी आवाज ज्यादा सुनी जाती है, तो क्या हम कम पैसे वालों की, लेकिन हमारे पास में अपने ऋषियों की ज्ञान की विरासत है, हम दरिद्र नहीं है, हमारे पास ज्ञान विज्ञान की, प्रज्ञान की, अनुसंधान की, रिसर्च एविडेंस की दौलत है हमारे पास, लेकिन हमारी संख्या कम है। भीड़ के आधार पर कभी भी सच और झूठ का निर्णय नहीं हो सकता। हम अकेले इंस्टीट्यूशन भी पूरी दुनिया के मेडिकल माफियाओं से, ड्रग माफियाओं से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन स्वामी रामदेव कभी डरा नहीं और कभी हारा नहीं, तो हम इस लड़ाई को अंतिम निर्णय तक लड़ेंगे। This video presented by Peace Islamic International School Branch Hadraga Road and Misbah Nagar Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details.